हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सूर्य नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, कुलभास्कर आश्रम, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रयागराज। बच्चों, आज मॉक टेस्ट दूसरा जो हमने ऑलरेडी आपको पोस्ट किया हुआ था उसी के प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमने दिया था कि आयल परसेंटेज इन पिपरमिंट ऑन फ्रेश वेट बेसिस इज, यानी ताजे भार के अनुसार पिपरमिंट उत्तर प्रदेश में बहुत बहुतायत से उगाई जाती है, तो उसी में पूछा था कि कितना परसेंट इसमें तेल पाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 0.5%। दूसरा ऑप्शन था चूज द रॉन्ग मैच, यानी गलत मिलान चुनिए। तो ग्लैडियोलस इरिडेसी फैमिली किससे मिलाया गया है, ट्यूबरोज, एस्परगेसी और क्राइजेंथिमम सोलेनेसी, जैस्माइन ओलिएसी। तो इसमें बच्चों सी ऑप्शन गलत है, ये मैच नहीं है, क्राइजेंथिमम सोलेनेसी नहीं, क्राइजेंथिमम की फैमिली एस्टरेसी होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चूज द रॉन्ग मैच, ये भी रॉन्ग मैच आपको बताना है। पुअर मैंस फ्रूट बेर है, पुअर मैंस एप्पल गुआवा है, ये भी सही है, ब्रेड फ्रूट जैक फ्रूट, बटर फ्रूट एवोकाडो और रोज एप्पल जामुन। तो यहाँ ई ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही हैं। रोज एप्पल जामुन को नहीं कहते हैं, जामुन को ब्लैक प्लम कहते हैं, रोज एप्पल नहीं, रोज एप्पल दूसरा फ्रूट है। चूज द रॉन्ग मैच, ये भी रॉन्ग मैच आपको बताना है। फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी आंवला सही है, टॉयलेट फ्रूट मैंगो ये भी सही है, एप्पल बाउल हिमाचल प्रदेश को कहते हैं ये भी सही है, कल्प वृक्ष कोकोनट, कोकोनट को कल्प वृक्ष भी कहते हैं सही है, एडम्स फिग गलत है, यहाँ पे ई ऑप्शन गलत है, ग्रेप को नहीं कहते हैं, इसको बनाना को कहते हैं, किसको, केला को कहते हैं, ये बनाना है, इसको एडम्स फिग कहते हैं, तो यहाँ पे ई ऑप्शन गलत मैच है। पांचवा प्रश्न है बोटेनिकल नेम ऑफ रागी इज, तो इसमें बहुत कुछ कहने गुंजाइश नहीं है, इसमें बी ऑप्शन सही है, एलुसिन कोरेकाना रागी का बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम है। छठा प्रश्न था चूज द रॉन्ग मैच, गुआवा विल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, मैंगो मालफॉर्मेशन वायरस, वाइट रस्ट पक्सिनिया, टिक्का डिजीज, सर्कोस्पोरा, बाजरा अर्गट, क्लेविसेप्स। वास्तव में गुआवा विल्ट बहुत ही प्रामिनेंट अमरूद की बीमारी है, ये सही मैच है, मैंगो मालफॉर्मेशन ये गलत है, उत्तर यही सही नहीं मैच है, मैंगो मालफॉर्मेशन वायरस से नहीं होता है। बच्चों हमें कमेंट करके बताइएगा ये वास्तव में किससे होता है, इसका मैं उत्तर नहीं बताऊँगा। व्हाइट रस्ट पक्सिनिया सही है, प्रामिनेंट डिजीज है व्हीट की, टिक्का डिजीज ग्राउंड नट की फेमस डिजीज है, और अर्गट बाजरा का फेमस है, क्लेविसेप्स से होता है। तो इसमें आपको कमेंट करके ये बताना है कि मैंगो मालफॉर्मेशन वास्तव में किससे होता है। तो चूज द रॉन्ग मैच इसमें भी बताना है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर इंडरवेला एकदम सही है, और फ्रूट एंड सूट बोरर ल्यूसिनोट्स ये भी सही है, खपरा बीटल क्रोगोडर्मा ये भी सही है, व्हाइट ग्रब होलोट्राइका ये भी सही है, मैंगो हापर ये गलत है, मैंगो हापर ये ड्रोसिचा नहीं, ड्रोसिचा तो मैंगो मिली बग का साइंटिफिक नाम है, और मैंगो हापर का होता है एमरिस्टोडस एटकिंसोनी, तो ये ई ऑप्शन मैच नहीं है। आठवां प्रश्न है चूज द रॉन्ग मैच, इसमें येलो ओनियन यानी जो प्याज है हमारा, इसका ऊपरी रंग की बात पूछ रहा है, तो पीला प्याज ऊपर जो पील होता है किस वजह से होता है, तो क्वर्सेटिन एकदम सही है, रेड ओनियन एंथोसाइनिन ये भी सही है, जामुन कलर जैंथोफिल गलत है, आपको बताया भी गया है जामुन कलर एंथोसाइनिन की वजह से होता है, जैंथोफिल की वजह से नहीं होता है, फालसा कलर एंथोसाइनिन सही है, तो यहाँ सी ऑप्शन मैच नहीं है। चूज द रॉन्ग मैच यहाँ भी बताना है, ओकरा येलो वेन मोजाइक वायरस व्हाइट फ्लाई द्वारा फैलता है ये भी सही है, हाँ सही फैलता है,
अरहर स्टरलिटी मोजाइक, अरहर में जो बांझपन होता है ये माइट के द्वारा फैलाता है, ये वायरस से होता है, ये भी सही है। बनाना बंची टॉप एफिड, ये भी सही है। और ब्रिंजल लिटिल लीफ, लीफ हॉपर द्वारा होता है, ये भी सही है। सेसमम फिलॉडी व्हाइट फ्लाई, ये गलत है, व्हाइट फ्लाई से नहीं होता है, लीफ हॉपर से होता है, तो ये गलत है, यहाँ ई ऑप्शन मैच नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों 10वां है, मेथड एकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सबसे अधिक पौधों की संख्या समाई जा सकती है या लगाई जा सकती है, तो इसमें हेक्सागोनल, पेंटागोनल, कंटूर और एक ऑप्शन और होगा इसमें नीचे की तरफ में रेक्टेंगुलर। तो वास्तव में ये रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर तो नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन सही है, पेंटागोनल, पेंटागोनल ऑप्शन सही है इसमें। इसको फिलर मेथड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या अगर फल वृक्षों की बात हो रही है, अगर लगानी है, तो पेंटागोनल मेथड सही होगा। 11वां प्रश्न है बच्चों, सॉयल टाइप हैज मैक्सिमम डेंसिटी इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्रायः बच्चे कंफ्यूज करते हैं और क्ले पे लगा देते हैं। सॉयल डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो होगी वो सैंडी सॉयल की होगी, और इसीलिए भारी होती है वो, मतलब वजन में ज़्यादा होती है, और भारी जब सॉयल कहते हैं तो वो खिंचाव के हिसाब से होता है, तो क्ले सॉयल हो जाती है, लेकिन कंफ्यूज मत कीजिए, मैक्सिमम डेंसिटी सैंडी लोम की होगी। अगर सैंडी लोम न देके सैंडी दिया होता तो और वो भी ऑप्शन सही होता, तब सैंडी लोम गलत हो जाता। 12वां क्वेश्चन है, बेस्ट ग्रीन मेन्योर क्रॉप फॉर ऊसर सॉयल, ऊसर सॉयल हो, एसिडिक सॉयल हो, ढैंचा इज द बेस्ट, ढैंचा का कोई जवाब नहीं है इसमें, बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही है, ढैंचा, ढैंचा ऊसर को अच्छी तरीके से एमेंड करता है। नरेंद्र पराग इज ए वराइटी ऑफ, पराग सुगंधित, और नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जानते हैं फैजाबाद में है, तो पैडी इसका उत्तर सही है। नरेंद्र पराग धान की प्रजाति है, बहुत ही अच्छी प्रजाति है, सुगंधित है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को केसीएल भी कहते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइजर शुड नॉट बी अप्लाइड इन, तो कहाँ नहीं प्रयोग करने चाहिए, तो सोलेनेसियस वेजिटेबल में एकदम नहीं प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि इसका जो क्लोरीन है वो पत्तियों को जला देता है, तो पोटैटो, टर्निप, टर्निप में भी ये नुकसान पहुंचाता है, टोमेटो यानी डी आल, तो यहाँ पे डी आल ऑप्शन सही होगा। बाकी 15वां है, चूज द रॉन्ग मैच, तो ग्राउंड नट सेलिंग परसेंट, अगर आप 100 किलो ग्राउंड नट लेते हैं और उसमें से दाना देखेंगे तो लगभग 70 से 75, कभी 80% तक हो जाता है, तो सेलिंग परसेंटेज ये सही है ग्राउंड नट मूँगफली का। ऑयल परसेंटेज मस्टर्ड सीड, ये भी सही है, 33% होता है, लगभग 10 किलो आप सरसों पेरवाइए तो लगभग 3.5 किलो, 3 से 3.5 किलो निकलता है तेल। जूस परसेंटेज इन शुगर केन, ये गलत है, इसमें 30 नहीं, ये इसमें 70% तक जूस निकलता है, तो ये ऑप्शन गलत है। हस्क परसेंटेज इन राइस सीड, ये भी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि राइस सीड में हस्क परसेंट लगभग 30% होता है, तो कुल मिला के ये भी बात गलत है। ऑयल परसेंट इन सोयाबीन सीड, ये सही है, तो इसमें सी एंड डी दोनों हो जाएंगे, बोथ सी एंड डी ऑप्शन बोथ आर रॉन्ग। 16वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच, राइजोम कैना, शकर मिंट, स्टोलन स्ट्रॉबेरी, कार्म लिली, राइजोम कैना, वैजंती माला कैना को कहते हैं, प्रोपेगेशन किया जाता है, शकर मिंट, पिपर मिंट का प्रोपेगेशन शकर के द्वारा, स्टोलन गलत है, स्टोलन से नहीं रनर से होता है, और लिली का कार्म से नहीं होता है, बल्ब से होता है, तो इसमें सी एंड डी बोथ रॉन्ग, सी और डी दोनों गलत हैं, स्टोलन से नहीं रनर से, और कार्म से नहीं बल्ब से होता है लिली का। तो ये 17वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच,
तो पार्थनोकार्पी बनाना आप जानते हैं, वेजिटेटिव पार्थनोकार्पी पाई जाती है। पॉलीमिलियानी बहुभ्रूणिता मैंगो में है। एपोमिक्सिस ये गलत है, आंवला में एपोमिक्सिस नहीं होती, जीनिया मेज में होती है और काइमेरा क्रोटन में पाया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन नहीं सही है। चूज द रॉन्ग मैच, कोकोनट इंडोस्पर्म खाया जाता है सही है, एप्पल फ्लेसी थैलमस एकदम सही है, गूदेदार थैलमस, लीची फ्लेसी एरिल, लीची में गूदेदार एरिल, ये ध्यान रखिएगा फ्लेसी शब्द पे जोर दीजिएगा, ऑरेंज जूसी एरिल, जूसी एरिल होता है, यही अंतर है, पाइनएप्पल ये भी गलत है, ये गलत ऑप्शन है, पाइनएप्पल में मेजोकार्प नहीं होता, उसमें और भाग खाए जाते हैं, अतः इसमें ई ऑप्शन गलत है, मैच नहीं है। नॉट ए फॉल्स फ्रूट, एप्पल जो उंगली से न बन करके ही कि दूसरे अंग से बनता है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, एप्पल सही है, पाइनएप्पल भी सही है, कोकोनट नहीं सही है, कैशुनट सही है, मलबरी सही है, यानी ए बी डी सी ये सब फॉल्स फ्रूट है, केवल कोकोनट ही एक ऐसा है जो ट्रू फ्रूट है, बाकी एप्पल भी फॉल्स है, पाइनएप्पल भी फॉल्स है, कैशुनट भी फॉल्स है, मलबरी फॉल्स है, क्योंकि ये ओवरी से विकसित होकर अन्य भागों से विकसित होते हैं। 20 प्रश्न है कि चूज द रॉन्ग मैच, इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप रेशियो, तो वास्तव में इसमें ये रेशियो सही मिलान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी इसमें दिया है डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप रेशियो, ये भी सही है, और सी दिया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप रेशियो, तो इसका 1:1 रेशियो उचित होता है, और यहाँ ये नीचे दिया हुआ है 1:1 रेशियो, ये सही है, और डी टेस्ट क्रॉस आप मोनो हाइब्रिड F1, ये गलत है, टेस्ट क्रॉस आप जान ही रहे हैं, जब F1 होता है मान लिया ए और ए आया, इसको रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, तो ए से लेंगे तो इसका एक बार क्रॉस होगा, फिर ये इससे क्रॉस करेगा, तो और ये एक बार इससे क्रॉस करेगा और एक बार इससे करेगा, तो 2:2:1:2 का रेशियो आएगा या 1:1 का रेशियो आएगा, तो ये 1:1:2 का रेशियो नहीं आएगा, था डी गलत है। 21वां प्रश्न था चूज द रॉन्ग मैच, ये भी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स उपार्जित लक्षणों की वंशागति, लेमार कहता था कि पहलवान के बच्चे पहलवान होंगे, अतः ये सही है। नेचुरल सेलेक्शन प्राकृतिक वरण, डार्विन कहता था कि प्रकृति स्वयं चुनती है, सही है। म्यूटेशन ह्यूगो ड्रिविज, उत्परिवर्तन ह्यूगो ड्रिविज ने कहा था, सही है। हेट्रोसिस गलत है, हेट्रोसिस पुनेट ने नहीं सेल ने दिया था, अतः डी ऑप्शन रॉन्ग मैच है। चूज द रॉन्ग मैच, पुनः एनी बोरलॉग गेट नोबेल प्राइज इन साइंस, रॉन्ग, साइंस में नहीं, इन्होंने शांति में नोबेल पुरस्कार पाया था, पीस में, शांति में, तो यही रॉन्ग है। टाइचिंग 21 इज ए सेमी ड्वार्फ जीन कंटेनिंग पैडी वराइटी ऑफ ताइवान, ये भी सही है। जया इज ए फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वराइटी ऑफ इंडिया, एकदम सही है। इरी इज लोकेटेड इन फिलीपींस, तो बाकी सभी मिलान सही है, केवल वही गलत था। 23वां प्रश्न है मोस्ट जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोडक्ट इज, हम बता चुके हैं, प्योर लाइन प्रोजनी, सेल्फिंग प्रोजनी, सिब मेटिंग, क्लोनल सिलेक्शन, सभी ये जो हैं जेनेटिकली यूनिफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट जेनेटिकली यूनिफॉर्म जो होगा क्लोनल सिलेक्शन होगा, इसकी परिभाषा ही है, जेनेटिकली यूनिफॉर्म मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट एक्सक्लूसिवली प्रोपेगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स नोन एज क्लोन, तो डी ऑप्शन हमेशा सही रहेगा इसमें। 24वां प्रश्न है दिस स्पीसीज इज नोन एज नोबल केन, नोबल केन श्रेष्ठ गन्ना किसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है सैक्रम ऑफिसिनेरम, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और रिकवरी भी अच्छी होती है। 25वां है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बच्चों ये हम जो प्रश्न बनाए हैं इसमें एक एक प्रश्न में कई बातें छिपी हैं, आप इसको बिल्कुल एक एक प्रश्न ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। बीटी कार्टन वैरायटी रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, जो भी बीटी होता है बैसिलस थुरेंसिस, वो सभी इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं, सही है। बी है बीटी कार्टन वैरायटी हैज बैक्टीरियल जीन, तो बीटी कार्टन वैरायटी में बैक्टीरिया बैसिलस थुरेंसिस की जीन डाली जाती है, ये भी बात सही है। बीटी कार्टन वैरायटी डेवलप्स प्रोटीन टॉक्सिन, और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं,
टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं प्रोटीन एक प्रकार की, तो ये भी सही है। बीटी कार्टेन वराइटीज आर बैंड इन इंडिया, नहीं बीटी का यही जो है गलत है, क्योंकि बैन नहीं है, भारत में इनको अलाउ है उगाने के लिए। 26वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच, स्पिरुलिना 60% प्रोटीन, स्पिरुलिना में 60% एल्गी है, 60% प्रोटीन पाई जाती, सोयाबीन में 45 से लेके 50%, 40%, 42% डील है, ठीक है। तुर तुर माने अरहर, अरहर में इतनी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इतनी कम नहीं पाई जाती है, इसमें 20 से 22% तक प्रोटीन पाई जाती है, तो ये ऑप्शन व्हीट 12% सही है, तो इसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, एजोला इज ए फर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। लीफ कैविटी ऑफ एजोला हैज एनाबीना बीजिए, लीफ जो कैविटी होती है, पत्ती होती है उसकी एजोला की, उसकी गांठ में एनाबीना नाम की एल्गी रहती है और वही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्स करती है, तो यहाँ पर लीफ कैविटी ऑफ एजोला, ये एजोला है और उसकी लीफ कैविटी में एनाबीना नाम की ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है, ये बात सही है। एंड एनाबीना फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और एनाबीना ही वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करती है, ये भी बात सही है। एजोला इज यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर इन पैडी क्रॉप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर फॉर पैडी क्रॉप, एजोला फिक्स नाइट्रोजन, ये गलत है। 120 के जी पर हेक्टेयर नहीं, लगभग ये बहुत अच्छा होता तो 40 से 45 के जी के जी पर हेक्टेयर ये फिक्स करता है, तो ये गलत हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच, एजो स्पेलम फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये सही है। एजोटोबैक्टर लूज बैक्टीरिया, लूज एसोसिएशन बैक्टीरिया है, एकदम सही है। लूज एसोसिएशन का अर्थ ये होता है कि मान लिया ये पौधा है और इसकी ये जड़ें हैं, तो इस जड़ों के आसपास रहेगा लेकिन वो जड़ों से संबंध स्थापित नहीं करेगा, उसको कहते हैं लूज एसोसिएशन बैक्टीरिया। और जो फ्री लिविंग है वो यहाँ से दूर भी रहेगा, पूरे खेत में फैला रहेगा, इस जड़ से कोई लेना देना नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। वार्म रूट एसोसिएशन फंगस, तो ये नाम ही से स्पष्ट है। वैस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा फंगस, तो इसी ऑप्शन सही है। पीएसबी सिम्बियाटिक एसोसिएशन, ये गलत है। फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया जमीन में रहते हैं लेकिन कोई रूट से या किसी संबंध स्थापित नहीं करते हैं, तो यही लांग है, यानी यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, चूज द रॉन्ग मैच, ट्राइकोडर्मा, डर्मा से फंगस, याद रखिएगा, ग्रैमा से कंफ्यूज मत कीजिए, ट्राइकोडर्मा फफूंद कंट्रोल करने के लिए फफूंद है, ये फफूंद है जो फफूंद को मारती है, ट्राइकोग्रैमा ये कीट है जो कीट को मारता है, ये कीट है कंट्रोल इंसेक्ट्स। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाएं, ईट बैक्टीरिया, सही है। क्राइजीन प्लांट जीन नहीं है, क्राइजीन बैक्टीरिया जीन है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चूज द रॉन्ग मैच, टोटल रूट पैरासाइट, आरओ बैंक की सही है, टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा सही है, पार्शियल रूट पैरासाइट ये गलत है, रेफ्रिसिया नहीं है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंथस या बांदा ये भी सही है, तो यहाँ सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच, इकोसिस्टम टर्म, टर्म टेंसले, इकोसिस्टम टी से टेंसले याद रखिए, ये सही है। इकोलॉजी हैकेल, ये भी सही है। बायोडाइवर्सिटी टर्म डब्ल्यू जी रोजन पूछा हूँ, डाइवर्सिटी सेंटर मेंडल ने दिया है, तो डाइवर्सिटी सेंटर मेंडल ने नहीं दिया है, बेबीलोव ने दिया है, तो डी ऑप्शन गलत है, तो यहाँ यही ऑप्शन गलत है। 32वां प्रश्न है, नॉट ए रिकैल्सिट्रेंट सीड, रिकैल्सिट्रेंट सीड उनको कहते हैं ऐसे बीज जो नमी जब घटती जाएगी तो उसमें वायबिलिटी कम हो जाएगी, यानी जब वो सूख जाएंगे तो फिर अंकुरित नहीं होंगे बोने पर, ऐसे सीड को रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं। तो कौन नहीं है रिकैल्सिट्रेंट, यानी सुखाने पर जो जमे, तो सोयाबीन है, अगर सुखा के रख लीजिए तभी अंकुरित होगा। मैंगो, मैंगो का बीज 90 दिन बाद नहीं अंकुरित होता है, 90 दिन अगर घर पे रखे रहे बीज तो नहीं। पपाया का बीज भी, और यही कटहल का, जैकफ्रूट का भी, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सोयाबीन, सोयाबीन ये रिकल्सिटेंट बीज नहीं है। और 33वां प्रश्न है,
फॉर सीड प्रोडक्शन फील्ड इंस्पेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन। जब सीड प्रोडक्शन करते हैं तो सीड इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आकर के फील्ड का मुआयना करता है, जांच करता है कि नियम के अनुसार हो रहा है कि नहीं, तो उसी को फील्ड इंस्पेक्शन कहते हैं। तो इसमें ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, अगर ट्रूथफुली लेबल्ड सीड प्रोडक्शन के लिए कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा और इसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो याद रखें, चूज़ द रॉन्ग मैच, तो सर्टिफाइड सीड ब्लू टैग, फाउंडेशन सीड व्हाइट टैग, ब्रीडर सीड गोल्डन ब्राउन टैग, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड जो है वो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड ओपल ग्रीन टैग। तो यहाँ पे सी सही है, सी ऑप्शन सही है, ब्रीडर सीड गोल्डन ब्राउन नहीं होता है, यहाँ पे हो जाएगा गोल्डन येलो होता है। तो ये इसमें सी ऑप्शन सही मिलान नहीं किया हुआ है। 35वां है चूज़ द रॉन्ग मैच एग्रोक्लाइमेटिक जोन, सही है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, आप ICR के हिसाब से 20 मानिए और आएगा तो 20 का ही ऑप्शन रहेगा। एग्रोक्लाइमेटिक जोन 9 है उत्तर प्रदेश में, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन उत्तर प्रदेश में किए गलत है, और यहाँ पर ये भी गलत, आप मान लीजिए 20 को ही आप मानिएगा ICR के हिसाब से, तो बी एंड डी आर इनकरेक्ट। चूज़ द रॉन्ग मैच, अगला 36वां है कोहने टर्म हार्मोन, प्रोलीन, प्लांट रेजिस्टेंस, पराक्सिसोम, फोटोरिस्पिरेशन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ग्रैना, एलजी ग्रैना। तो कोहने ने नहीं टर्म दिया है, यही ऑप्शन रॉन्ग मैच है, बाकी सभी मैच है, लाइट एक्शन ग्रैना में होती है। 37वां है चूज़ द रॉन्ग मैच यूरेसिल आरएनए, आप जान ही रहे डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, तो ये सही है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ये गलत है, अब 16 हो गए निकिल होने के कारण। इक्टो हारमोन्स फिरोमोन कहलाते हैं, इनको इक्टो हारमोन को फिरोमोन भी कहते हैं। पालन बास्केट वर्कर हनी भी अपने रखती है, ये भी सही है। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट व्हीट, गेहूं के बारे में, एलो एग्जापोर्प्लॉयड सही है। बेसिक क्रोमोजोम नंबर 6, ये गलत है, कितने होते हैं 7 होते हैं, बेसिक क्रोमोजोम नंबर 7 होते हैं। गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर 21, ये भी सही है। हैप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर 21, ये भी सही है, तो इस 7 ही होते हैं। चूज़ द रॉन्ग मैच माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस इक्वेशनल एकदम सही है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होती है। मियोसिस फर्स्ट इक्वेशनल डिवीजन गलत है, मियोसिस फर्स्ट क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन सही है, और मियोसिस इक्वेशनल डिवीजन ये भी गलत है। मियोसिस अगर एज ए होल पूछा जाए तो भी रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तभी रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो यहाँ बी एंड डी, बी एंड डी बोथ आर रॉन्ग। तो चूज द रॉन्ग मैच, अगला है ग्रीन मैन्योर क्रॉप नाइट्रोजन, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, हरी खाद नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए मिलाते हैं, बाकी चीज़ें तो मिलती ही हैं। मोस्ट मैकेनाइज क्रॉप व्हीट पूछा जा चुका है, वाटर हार्वेस्टिंग टाइम मायोर्स पूछा जा चुका है, पॉइंटेड गार्ड प्रोपेगेशन सीड द्वारा नहीं होता है, स्टेम कटिंग द्वारा होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है 41वां चूज़ द रॉन्ग मैच हाई डेंसिटी प्लांटिंग आम्रपाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुकुम्बर ओरिजिन अफ्रीका, गलत, अफ्रीका नहीं है, साउथ एशिया या इंडिया ऑप्शन होगा तो सही होगा। पोटैटो सीड प्लांट टेक्निक पुष्करनाथ ने दी थी, पूसा ज्वाला चिली की है, तो बी ऑप्शन यहाँ गलत है। 43वां है चूज़ द रॉन्ग मैच सूरीनाम चेरी जामुन रूट स्टॉक, सूरीनाम चेरी जामुन का रूट स्टॉक है। ललित, ललित तो मैंगो की नहीं, आप जान रहे हैं गुआवा की प्रजाति है, तो ललित गुआवा है, ये गलत है। पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत लौकी की प्रजातियां हैं, बॉटल गार्ड है, अर्का शीतल, लांग मेलन ककड़ी की हैं, ये भी सही है, तो यहाँ बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 43वां चूज़ द रॉन्ग मैच फोटोमीटर रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन से फोटोमीटर का कोई लेना देना नहीं है। स्टोमेटा रेगुलेशन पोटेशियम के की वजह से होता है।
नाइट्रेट रिडक्टेज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सही है। ग्लाइकोलोसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। 44वां प्रश्न था, चूज द रॉन्ग मैच। एच एस पृथ्वी आप जान ही रहे, फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, एकदम सही है। और बी ऑप्शन है काटन, मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप, ये भी सही है। सी है माउंड, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ टर्माइट, दीमक का घर को माउंड कहते हैं। पोटैटो ट्यूबर मॉथ ओनली स्टोरेज पेस्ट, ये गलत है। पोटैटो ट्यूबर मॉथ स्टोरेज भी है, फील्ड में खेत में भी लगता है, जो घर में आलू ले आते हैं तो उसमें भी लग जाता है, तो ओनली नहीं होगा, यहाँ बोथ होंगे, फील्ड और स्टोरेज दोनों। चूज द रॉन्ग मैच, दीपा एक्ट 1914, सही है। एस एसीवाटा बैसलस थोरिंजेंसिस से संबंधित है, इन्होंने पहले बताया था। जुविनाइल हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड इन्हीं को कहते हैं। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी, ये गलत है, गुड़गांव नहीं है, फरीदाबाद है, तो CIL फरीदाबाद, ये ऑप्शन गलत है। चूज द रॉन्ग मैच, खैरा आप पैडी आप सबको जानते हैं, सब ये जिंक की वजह से होता है। व्हाइट ग्रब ग्राउंड नेट इंपॉर्टेंट है, बकेनी डिजीज आप पैडी, फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मी, ये भी सही है, सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास, तो इसमें वही ऑप्शन खैरा जिंक वाला गलत है। चूज द रॉन्ग मैच, पोटैटो अर्ली ब्लाइट, ये गलत है, पक्सिनिया रस से होता है, ब्लाइट होती नहीं है। पोटैटो लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा, ये सही है। पोटैटो वार्ट सिनकाइट्रियम, सही है। पोटैटो स्कैब स्टेप्टोमाइसिस, सही है। पोटैटो अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया से होता है, ऐसा ए ऑप्शन गलत है। 48वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच, लर्निंग बाय डूइंग ए प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एकदम सही है। फर्स्ट KVK इन 1974 इस्टेब्लिश इन पांडिचेरी, सही है। लैब टू लैंड प्रोग्राम ICR का है, और नॉर्म हैदराबाद है, ये अहमदाबाद नहीं है, तो हमें लगता है ये डी ऑप्शन गलत है। 49वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच, HIV प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 1966 में स्टार्ट हुआ। गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रायने, ये भी सही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये नहीं है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम नहीं, ये 52 में चालू हुआ था 1952। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959, एकदम सही है। और अंतिम और 50वां क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियाम, ये सही ऑप्शन है, जयपुर में है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, विनोबा भावे विनोबा अल्बर्ट मेयर है, गलत है। KVK टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिफाइनमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, KVK वेरी इंपॉर्टेंट। और नाटप स्टार्टेड इन 1998, ये भी सही है। तो बच्चों हमने कोशिश की है क्वेश्चन सही बताने की, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप हमको कमेंट करके बताएं। और जैसे पिछली बार एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, बच्चों ने सूचित किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और इसी हिसाब से आप पढ़ते रहें, बेस्ट ऑफ लक।